Dear students, welcome in this session. This is Jagdish Raj. Today in the session, our subject is mathematics from class 9th. Our topic is area of parallelogram and subtopic is a theorem that area of a triangle is equal to half of the parallelogram if they have the same base and lie between the two parallel lines. Learning outcomes. After this session, the learners will be able to understand that the area of triangle is equal to half the area of a parallelogram if they have the same base and lie between the two parallels. Dear students, to prove this theorem, we will take an example from your textbook, example number 2. If a triangle and a parallelogram are on the same base and the same parallels, then prove that the area of a triangle is equal to half the area of a parallelogram. So we have to prove that area of triangle is equal to half the area of a parallelogram. So let's prove it. So students, first of all, हम एक parallelogram draw करेंगे और इसका नाम रखेंगे हम A, B, C and D और इस पर हम एक triangle draw करेंगे. इस तरह से हम एक triangle draw करेंगे और इसका नाम रखेंगे हम P A B. हम D C line को extend करेंगे P तक. इस तरह से line DC is parallel to AB, so PC, line PC is also parallel to AB, so PC is parallel to AB. अगर हम दोनों figures को देखते हैं, parallelogram को भी और triangle को भी, तो triangle PAB और parallelogram AB CD दोनों की बेस सेम है ए बी. ओके, सेम सेम बेस, और बेस क्या है दोनों की, ए बी. और दोनों जो हैं, दोनों फिगर्स पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, और कौन कौन सी पैरेलल लाइन, पी सी एंड ए बी. इस तरह से हमने ये दोनों फिगर्स को ड्रा किया. अब हमने इस थ्योरम को सॉल्व करने से पहले ही हमने सोचना है कि किस तरह से सॉल्व करेंगे. हम एक लाइन ड्रा करेंगे पीसी से बी तक, पॉइंट बी तक, और वो पैरेलल किसके पैरेलल है, पी ए के पैरेलल. ओके, तो हमने एक लाइन ड्रा की क्यू बी एंड क्यू बी इज पैरेलल टू पी ए. सो हमारे पास यहां पर क्या निकला कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी एंड पी ए इज पैरेलल टू क्यू बी एंड पी ए इज पैरेलल टू क्यू बी. ओके, सो ए बी क्यू पी इज आल्सो पैरेललोग्राम. ए बी क्यू पी इज पैरेललोग्राम. इस तरह से हमने एक और पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया ए बी क्यू पी, और इस तरह से हमारे पास दो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी एंड ए बी क्यू पी. ओके, तो हमारे पास ये फिगर है एंड वी हैव टू प्रूव दैट a triangle PAB, PAB is equal to half the area of ABCD. Okay? हम दोनों parallelograms को देखते हैं, ABCD. Parallelogram ABCD and parallelogram ABQP. दोनों को अगर देखते हैं तो इनकी बेस जो है वो क्या है, सेम है, बेस
क्या है बेस ए बी, वो दोनों पैरेललोग्राम्स जो हैं दो पैरेलल्स के बीच में है, दैट इज पी सी एंड ए बी। सो हमने प्रीवियस सेशंस में ये प्रूव किया था कि अगर दो पैरेललोग्राम्स की बेस सेम हो और दो पैरेलल्स के बीच में हो, देन दियर एरिया इज आल्सो इक्वल। सो द एरिया ऑफ ए बी क्यू पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये हमने बाई थ्योरम प्रूव की थी। अब हम पैरेललोग्राम ए बी क्यू पी को देखते हैं, तो इसमें क्या है कि एक डायगोनल है पी बी, पी बी एक डायगोनल है, और हमने प्रीवियस क्लासेस में ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी पैरेललोग्राम की, दैट ए डायगनल डिवाइड्स पैरेलोग्राम इंटू टू कांग्रुएंट ट्राइंगल्स, सो द डायगनल पी बी डिवाइड्स ए पैरेलोग्राम ए बी क्यू पी इंटू टू कांग्रुएंट ट्राइंगल्स। सो द ट्राइंगल पी ए बी इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल बी क्यू पी। और हमने कांग्रुएंट ट्राइंगल्स की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इफ टू ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट देन दियर एरिया इज आल्सो इक्वल। सो एरिया ऑफ पी ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू पी। ओके, इज इट क्लियर? देयर फोर दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ पी ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू पी को देखते हैं, बी क्यू पी। तो ये जैसे हम इसको गौर से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो ये हाफ एरिया है किसका, पैरेललोग्राम ए बी क्यू पी। इसको लिखूंगा कि एरिया ऑफ पी ए बी इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ए बी क्यू पी। ओके, इज इट क्लियर? दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ पी ए बी इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर प्रूव किया था कि एरिया ऑफ ए बी क्यू पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी। सो हाफ द एरिया ऑफ ए बी क्यू पी इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी। हैंस इट प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी। हैंस वी प्रूव दिस थ्योरम दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इफ दे हैव द सेम बेस एंड लाई इन बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। ओके, होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा। थैंक यू। Now we will solve the question number 2 from exercise. If E, F, G and H are respectively the midpoints of the side of a parallelogram A, B, C, D, then show that the area of E, F, G, H is equal to half the area of A, B, C, D. So, हमारा एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और उसके मिड पॉइंट से ई एफ जी एंड एच। वी हैव टू प्रूव दैट द एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी। सो हम एक ड्रा करेंगे एक पैरेललोग्राम लाइक दिस। ओके, का नाम रखेंगे हम ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, और इनके मिड पॉइंट से ई एफ जी एंड एच।
E, midpoint E, and F, G, and H. Okay. ये क्या है? ये इस पैरेललोग्राम पर मिड पॉइंट से हमने ये प्रूव करना है दैट दैट द एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी. तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ज्वाइन करेंगे. इस तरह से तो हमने देखा कि हमारा एक और पैरेललोग्राम बन गया ई एफ जी एच. तो इसको सॉल्व करने से पहले ही हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे दैट द एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी. तो पीछे जो हमने थ्योरम की थी उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसको सॉल्व करना है. तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक पैरेलल लाइन करूंगा एच एफ. ओके, एच एफ एक पैरेलल लाइन ड्रा करूंगा जो किसके पैरेलल हो, ए बी और डी सी के पैरेलल हो, लाइक दिस. ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे. We have to prove that area of EFGH is equal to half of the area of AB, C and D. ठीक है, इनको देखते हैं हम. देखिए, ये एक ट्राइंगल है HFC और एक पैरेललोग्राम है HC. एच एफ सी डी और इनकी सेम बेस है. सेम बेस कौन सी है? बेस सेम कौन सी है? एच एफ, ट्राइंगल के भी और पैरेललोग्राम के भी. और दोनों ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लाइन इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस डी सी एंड एच एफ. इट मींस दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एच एफ सी इज इक्वल टू half of the area of HFCD. So, मैं लिखता हूं कि area of HFC is equal to half of the area of HF C D. ओके, सो कैसे कैसे ये पता किया कि हमने थ्योरम प्रूव की. ओके, इसको हम वन मार्क करेंगे. अब नीचे देखिए, हमारे पास एक और पैरेललोग्राम है दैट इज एच एफ बी ए और एक और ट्राइंगल है एच ई F. ओके, और इसको देखेंगे तो इनकी बेस भी सेम है एच एफ और दे लाई इन बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस दैट इज लाइन ए बी एंड एच एफ. दीज आर पैरेलल क्योंकि एच एफ अगर डी सी के पैरेलल है तो एच एफ ए बी के भी पैरेलल है बिकॉज ए बी एंड डी सी आर पैरेलल. सो इट्स अ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल कभी बेस एच एफ है और पैरेललोग्राम की भी बेस एच एफ है और दे लाई इन बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस. इसमें हमें क्या मिलता है? इसमें हमें ये मिलता है दैट दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एच एफ is equal to half the area of parallelogram H F B A. and ये कैसे पता चला? By theorem जो हमने अभी प्रूव की थी. By theorem.
ओके इसका नाम रखेंगे टू. ओके अब फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करेंगे. इट मींस दिस इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को ऐड अगर हम करेंगे तो हमें ये एच एफ जी एच एक पैरेललोग्राम निकल जाएगा और पैरेललोग्राम एच एफ सी डी एंड एच एफ बी ई को भी ऐड करेंगे तो हमें ये पूरा एक पैरेललोग्राम निकल जाएगा. सो देखते हैं क्या हमारा रिजल्ट आता है. हम इसको ऐड करेंगे सो एरिया ऑफ एच एफ सी प्लस एरिया ऑफ एच एफ ई. हमने क्या किया इसको ऐड किया एरिया ऑफ एच एफ सी और एरिया ऑफ एच एफ ई को ऐड किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया. एंड दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ एच एफ सी डी प्लस हाफ ऑफ द एरिया ऑफ एच एफ बी ए. ओके सो मैंने फिर इन दोनों को ऐड किया इसको और इसको ऐड किया दैट इज ये. तो एरिया ऑफ एच एफ सी प्लस एरिया ऑफ ई एफ ई इसको देखिए इस ये वाला एरिया और इस ट्राइंगल के एरिया मिलाकर हमें क्या बनता है हमें क्या बनता है हमारे पास आता है ये जो ई एफ जी एच का एरिया आता है. सो एरिया ऑफ ई एफ जी एच और हाफ ऑफ द एरिया ऑफ एच एफ सी डी एच एफ सी एच एफ सी डी एंड एच एफ बी ए दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी. सो इन दोनों की जगह मैं क्या लिखूं दैट दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दैट इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए ए बी सी डी डी. ओके नाउ वी प्रूव दैट द एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी. ओके क्वेश्चन इज ए फार्मर वाज हैविंग ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस. ही टुक एनी पॉइंट ए ऑन द साइड आर एस एंड जॉइन इट टू पॉइंट पी एंड क्यू. इन हाउ मेनी parts the field is divided and what are the shapes of these parts. The farmer wants to sow wheat and pulses in equal portions of the field separately. How should she do it? एक farmer है उसके पास एक land है in the form of parallelogram PQRS and उसने एक point लिया है A आर एस से और ज्वाइन किया है पी और क्यू से. हमने बताना है कि ये फील्ड किस तरह से डिवाइड हुआ कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ और किस शेप में डिवाइड हुआ और ये फार्मर जो है इसने उगाना है इसमें क्या वीट और पल्सेस बराबर पोर्शन में इक्वल पार्ट्स में ये दोनों फसलें उगानी हैं. हम एक पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस यहाँ पर ड्रा करते हैं और इसका नाम क्या रखते हैं हम नाम रखेंगे हम पी क्यू आर एंड एस और आर एस पे कोई भी एक पॉइंट है. ओके आर एस पे कहीं पर भी एक पॉइंट है तो हम यहां पर एक पॉइंट लगाते हैं
इसका नाम रखेंगे ए, और ए को हम किसके साथ मिलाएंगे, पी एंड क्यू के साथ इसको ज्वाइन करेंगे। तो हम इसको ज्वाइन करते हैं, ए को ज्वाइन करेंगे पी के साथ और ए को ज्वाइन करेंगे क्यू के साथ। ओके, सो हम अगर इस, अब ये क्वेश्चन है हमारा कि इनको किस शेप में ये डिवाइड हो गया, ये फील्ड जो पैरेललोग्राम फील्ड था ये किस में डिवाइड हो गया, थ्री ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। वन ट्रायंगल इज ए पी क्यू एंड अनदर इज क्यू आर ए एंड थर्ड इज ए पी एस। ओके, इस तरह से ये तीन ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। अब हम देखते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है और हमारे पी ए क्यू, पी ए क्यू एक ट्रायंगल है। इन दोनों को अगर हम गौर से देखते हैं, देखो इनकी बेस सेम है, ट्रायंगल पी ए पी ए क्यू एंड क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस का बेस सेम है, दैट इज पी क्यू सेम बेस है एंड दे लाई इन बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन एस आर और पी क्यू के बीच में ही ये दोनों फिगर्स हैं, पैरेललोग्राम भी और ट्रायंगल भी। और हमने पीछे एक थ्योरम किया था, इफ ए ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड लाई इन बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस then area of a triangle is equal to half of the area of a parallelogram, एक theorem की थी। so हमारे पास क्या निकलता है, हमारे पास ये result आता है that area of triangle PAQ is equal to half of the area of PQRS, ओके, और इसको हम नाम रखेंगे वन। अब देखिए ये ट्रायंगल है इसको मैं शेड कर रहा हूं, ओके, ये वाली ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये किसके इक्वल है, ये ट्रायंगल पी ए क्यू के इक्वल है, पी ए क्यू के इक्वल है, क्योंकि ये हाफ है अगर इस पी क्यू आर का, तो ये दोनों ट्रायंगल्स ऐड करके भी हाफ निकलते हैं पी क्यू आर एस का। सो हम क्या लिखेंगे, दैट ये एरिया ऑफ पी एस ए प्लस एरिया ऑफ क्यू आर ए, क्यू आर ए पार्ट हैं, ये भी हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस का है, इज इक्वल टू half of the area of PQR, ओके, इसको हम टू नाम रखेंगे। और क्या है कि तीनों ट्राइंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो वो निकलता है एरिया ऑफ ए PQRS, एरिया ऑफ पी ए U is equal to area of these two triangles, area of PSA plus area of QRA,
ओके सो ये ब्लू शेडेड ट्राइंगल जो है इसका एरिया किसके बराबर है, रेड शेडेड ट्राइंगल्स के इक्वल है। सो इस तरह से उस फार्मर ने अपने फील्ड को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड कर लेगा एंड क्लियरली इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द फार्मर मस्ट सो वीट इन अ ट्राइंगुलर पार्ट पी ए क्यू एंड पल्सिस इन अदर टू ट्राइंगुलर पार्ट्स पी एस ए एंड क्यू आर ए आर वीट इन ट्राइंगुलर पार्ट पी एस ए एंड क्यू आर ए एंड पल्सिस इन ट्राइंगुलर पार्ट पी ए क्यू। ओके तो इस तरह से जो है वो फार्मर इस फील्ड को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करके अपना काम कर सकता है। ओके एंड आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा। ओके okay.